अरविंद गोस्वामी अलग से ऐसा क्या विजन लेके आए हैं जो छात्र राजनीति के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आए? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको टिक करना चाहिए और जिनको ख़त्म करना चाहिए जो स्टूडेंट से रिलेटेड? जिस पार्टी के स्टूडेंट विंग के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के सुप्रीमो को नौकरियों के मामले में सजा हो रखी है, क्या कहें? स्टूडेंट लीडर, यूथ लीडर, जिम्मेवार छात्र नेता क्या न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करेगा? मैंने दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में भी काम किया और आप काम कर रहे हैं अर्जुन चौटाला के नेतृत्व में भी। किसके नेतृत्व को आप ठीक मानते हैं, छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा मानते हैं? इलेक्शन लड़ा जेजेपी ने, युवाओं को साथ लेकर के, युवाओं की बदौलत चुनाव लड़ा उन्होंने। सरकार बीजेपी के खिलाफ लड़ा, युवाओं की भावनाओं का इस्तेमाल किया और फिर जा करके युवाओं के साथ कुठाराघात करते हुए बीजेपी की गोद में बैठे। जो पार्टी टूटी उसमें कहीं ना कहीं कहा जाता है इनसो का भी बहुत भारी हाथ रहा उसमें, चाहे उनको किस आप जैसा आपने कहा इस्तेमाल किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर, साथ में आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मेरे साथ एक मेहमान है, यूथ मेहमान है, नए युवा मेहमान है, नाम है अरविंद गोस्वामी, ISO के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले अरविंद गोस्वामी जी को बधाई देता हूं प्रदेश अध्यक्ष बनने की। धन्यवाद राहुल जी, आपका भी और मैं आपकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुझे समय दिया और साथ ही पूरे प्रदेश का जो आपके चैनल के माध्यम से आपकी बधाई स्वीकार कर रहे हैं और मुझे बधाई दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ISO की मैंने बात की, इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, JJP के साथ चली गई इनसो और जो ISO है वो दोबारा बनानी पड़ी, इनेलो पार्टी को छात्र विंग अलग से बनानी पड़ी। आप ISO के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर बात करूँ अरविंद, जो यूथ या जो स्टूडेंट लीडर होता है वो एक बदलाव की राजनीति की शुरुआत करता है, बदलाव की राजनीति, उसको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, जो एक पुराना ढर्रा होता है वो उसको बदलने की कोशिश करता है। आप किस विजन के साथ आए हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, नया विजन ऐसा क्या है जो पीछे वाले जो अध्यक्ष थे वो नहीं लागू कर पाए या नहीं लेके आए? अरविंद गोस्वामी अलग से ऐसा क्या विजन लेके आए हैं जो छात्र राजनीति के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएगा? राहुल जी, मैं और मेरी पूरी टीम प्रदेश हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद में। हमारा विज़न यही है कि हम कैसे शिक्षा को अच्छे तरीके से हरियाणा प्रदेश में हर स्कूल हर कॉलेज में एक अच्छे तरीके से हर घर तक पहुँचा सकें, उस शिक्षा के साथ साथ कैसे फीस का जो बोझ है वो आम परिवारों पर, गरीब परिवारों पर ना पड़े, जैसे जो हर साल जो फीस बढ़ोतरी हो रही है, जो फीस के इजाफे हो रहे हैं वो ना हो, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरियां, अच्छे अच्छे औहदों पर पहुंच सके, ये हमारा विज़न है। कैसे हम इन सभी चीज़ों को एक उसमें एकजुट करके लोगों तक पहुँचा सके, इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे, जैसे कि आजकल जॉब ओरिएंटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जो डिमांड हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनको लागू कराने के लिए स्कूल में उनकी जैसे स्टार्टिंग से ही उनके लिए भी उनको बढ़ावा देने के लिए भी उनके एड्स हैं, उनके लिए पब्लिक मीटिंग्स करके जागरूक करके लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, विज़न साफ़ है, अच्छा विज़न है अगर आप इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो, मगर देखिए जो स्टूडेंट हैं, आपने लंबी राजनीतिक जो छात्र राजनीति है वो आपने लंबे वक्त से की है, 2009 के आसपास शायद आप छात्र राजनीति में आए थे। अब तक क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको टिक करना चाहिए और जिनको ख़त्म करना चाहिए जो स्टूडेंट से रिलेटेड है? स्टूडेंट से रिलेटेड है जैसे फ़ीस का सबसे अहम मुद्दा हर बार रहता है फ़ीस। फीस की बढ़ोतरी हर साल होती है, सरकार अपने हिसाब से उन्हें फ्लक्चुएट करती रहती है, जो कि सरकार के हिसाब से नहीं, गरीब आदमी के हिसाब से होनी चाहिए, उनकी आय के हिसाब से होनी चाहिए। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्याएं आती हैं छात्रों और छात्राओं के सामने, गांव से आने जाने में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। उसके साथ साथ रोजगार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। आज आप आए दिन आपको देखने को मिलता होगा कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, नौकरियां नहीं है, हर जगह ठेकेदारी पर लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, जो कि प्रदेश के लिए बहुत ही हानिकारक है। बेरोजगारी, आज हम बेरोजगारी देखा हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
प्रदेश में जहाँ सरकार लंबे लंबे वायदे करती है कभी हमने युवाओं के लिए ये किया, हमने युवाओं के लिए ये किया, वो सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम करी है। उन्होंने वास्तव में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। उसका पुख्ता सबूत ये है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं, जो बेरोजगारी दर जो आज हरियाणा में है ये उनके वायदों की पोल खोल रही है। और आपने अब कल परसों की न्यूज़ में देखा भी किस तरह से HSSC के जो सेक्रेटरी हैं वो पैसों के साथ पकड़े जाते हैं, इनकी बिना पर्ची खर्ची की जो बात थी उसकी पोल खुल जाती है। तो ये सिर्फ युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश सरकार है जो युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही। नहीं, वो तो ये कह सकते हैं ना कि हम जो हमारे अधिकारी भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए कि इस तरह की चीज़ें अगर सरकार, देखिए मानिए अगर सरकार इसी सिस्टम का हिस्सा होती, अगर सरकार ये चाहती तो फिर उनको पकड़ती क्यों? वो तो विजिलेंस की टीम ने उन्हें पकड़ा है। तो विजिलेंस भी तो सरकार की टीम, बिल्कुल सरकार की तो नहीं कह सकते पर उनके अधीन जरूर होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जमीर जिंदा होता है, वो अपने प्रदेश के लिए अपने लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, वो इस तरह के आदमी को पकड़ने का काम करते हैं जो देश का और प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। चलिए, आपने प्लेसमेंट की बात करी, जिस पार्टी के स्टूडेंट विंग के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं उस पार्टी के सुप्रीमो को नौकरियों के मामले में सजा हो रखी है, क्या कहेंगे? देखिए, उस मामले में यही कहना चाहूँगा कि आरोप लगे, ये सिर्फ एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा किया गया था। एक स्टूडेंट लीडर, यूथ लीडर, जिम्मेवार छात्र नेता क्या न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करेगा? नहीं, मैं न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ न्यायपालिका का। या आप ये देखिए, उसके साथ साथ जिनको नौकरी मिली वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, उनको प्रमोशन मिल रहा है, माने उनको भी हटाना चाहिए था। नहीं, हटाने की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विपक्ष की सरकार ने ऐसा किया। अगर आप ये देखिए दूसरे भर्तियों का उदाहरण लीजिए जिसमें भी इस तरह की संलिप्तता पाई गई है, क्या उन लोगों को उनकी नौकरियां क्या कंटिन्यू हो पाई है? PTI की भर्ती देख लीजिए या और अन्य ड्राइंग टीचर हैं और कई तरह की भर्तियां ऐसी हुई हैं हरियाणा प्रदेश में जो कैंसिल हुई हैं। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ, जो कि विपक्ष की सरकार ने उन्हें जेल में भेजने का काम किया। इस तरह की कोई, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार का कोई घोटाला किया था। आपने काम किया INSO में भी और आज आप काम कर रहे हैं ISO के आप प्रदेश अध्यक्ष, क्या फ़र्क मानते हैं INSO के काम में, काम के तरीके में और ISO में, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि पहले युवाओं को और उनकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता था सभी पार्टियां। कौन करता था? सभी पार्टी के नेता यही करते हैं। आप किसी पार्टी को उठा के देख लीजिए, सभी युवाओं को, छात्र नेताओं को, उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। जब मुझे जिम्मेवारी दी गई, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे चौधरी माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने दी, उन्होंने सबसे पहले मुझे एक ही बात कही कि बेटे, कहीं भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए जहां आपको छात्र हित की बात करनी पड़े, यूनिवर्सिटीज़ की बात करनी पड़े, युवाओं की बात करनी पड़े, तो कभी भी पीछे मुड़ के ये मत देखना कि अभय सिंह जी क्या कहेंगे, पार्टी क्या कहेगी। छात्रों के हित के लिए अरविंद गोस्वामी को पार्टी लाइन से बाहर जाना पड़े तो जाएंगे आप? बिल्कुल जाऊंगा। युवाओं का अभय सिंह का कहना है, बिल्कुल चौधरी अभय सिंह, माननीय अभय सिंह जी ने यही कहा कि युवाओं की जहां बात आएगी वहां आपको सिर्फ युवाओं के साथ खड़ा रहना है, उनके अधिकारों के लिए खड़ा रहना है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहना है। आपके पीछे हमेशा अभय सिंह चौटाला जी पीठ बन करके खड़े हैं। उपचुनाव हुआ एलनाबाद का, 12,000 के आसपास का फर्क था 2019 में अभय सिंह की जीत का जो मार्जिन था वो घटकर रह गया 6 के आसपास, 6700 के आसपास। क्या देखते हैं, पार्टी का भविष्य कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है या कोई नई उम्मीद पैदा होने की आप बात कहते हैं? देखिए, माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हक में इस्तीफा दिया था, किसानों के ही कहने पर उन्हें दोबारा चुनाव लड़ा। और जहां जीत का मार्जिन घटने की बात है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी वोट पिछली बार 55,000 थी, इस बार 66,000 कुछ आई है। जहां हमारी वोटों की संख्या बढ़ी है, जहां हमारा उसके साथ साथ हमारा मार्जिन घटा है। 57,055 वोट थी पिछली जी, हाँ। इस बार 66,000 कुछ आई है जी। तो कहीं ना कहीं हमारे वोट परसेंटेज बढ़ा है हर बार की तरह, और इसके साथ साथ हमारा मार्जिन था जो वो घटा है। उसका कारण ये रहा कि देखिए आप, अभय सिंह चौटाला जी के साथ सरकार
विपक्ष सभी ने मिलकर के षड्यंत्र रचा कि कैसे होता है अरविंद भाई, कैसे किसान राजनीति में चलता है, होता कैसे है, किसानों की आवाज उठाने वाले को अभय सिंह चौटाला जी को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे इन्हें राजनीति से पीछे हटाया जाए, इनको फ्रंट लाइन से कैसे हटाया जाए। उन्होंने एक ये तरीका ढूंढ करके कि भाई इस ये मौका हमें मिला है, इसका उन्हें फायदा उठाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, पार्टी रही हो, या बीजेपी हो, या जेजेपी हो, या आलोपा हो, सभी ने एक मत होकर के ये प्रयास किया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हराया जाए। उसके बावजूद भी जनता जनार्दन के साथ और किसानों के विश्वास ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जिताने का काम किया और पहले से ज़्यादा वोट दे करके जिताने का काम किया। सवाल मैंने आपसे किया था INSO में और ISO में जो फ़र्क है, नीतिगत फ़र्क, कुछ मानते हैं या वही डर रहा है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया पहले युवाओं को इस्तेमाल किया जाता था। कौन करता था? वही 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 जानना चाहता हूँ। INSO के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त दिग्विजय चौटाला, वो करते थे या अजय सिंह चौटाला करते थे या ओम प्रकाश चौटाला करते थे, क्योंकि उस वक्त पार्टी इकट्ठी थी। वही वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या फर्क था INSO और ISO में। देखिए, पूरे प्रदेश को बताया ये तो कि INSO बिल्कुल ही साइडलाइन होकर काम करती थी, जिसमें जो ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी तो बिल्कुल उनसे हटकर अलग ही पार्टी में अलग ही स्टैंड था उनका, ये बिल्कुल अलग हटके काम करती थी। हमेशा इन पार्टी से अलग रख करके, युवाओं को अलग रख करके अलग काम किया, उन्हें अपने अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। युवाओं के साथ आप आज भी देखिए, जितने भी INSO के कार्यकर्ता रहे हैं या लीडर्स रहे हैं या और अन्य छात्र नेता जो रहे हैं, उनके साथ कहीं भी किसी प्रकार का कोई इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, उन्हें कहीं भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, सिर्फ अपने चहेतों को आगे बढ़ाने का काम किया। INSO में अपने चहेतों को आगे बढ़ाया गया, ये कहते हैं अरविंद गोस्वामी, ISO के प्रदेश अध्यक्ष। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये तो सब प्रदेश को, प्रदेश के सामने है, सबको दिखाई देता है कि किस प्रकार से युवाओं का इस्तेमाल करके इन्होंने सरकार में हिस्सेदारी ले ली। उसके बाद इलेक्शन लड़ा गया खट्टर साहब के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और फिर युवाओं की भावनाओं को ठोकर मारते हुए उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ कुठाराघात है, और इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ युवाओं की एनर्जी को और युवाओं को और छात्र नेताओं को इस्तेमाल करने का काम अन्य पार्टियां करती हैं। देखिए, आप जब INSO में थे, इंडियन नेशनल लोकदल इकट्ठी पार्टी थी, जो पार्टी टूटी उसमें कहीं ना कहीं कहा जाता है INSO का भी बहुत भारी हाथ रहा उसमें, चाहे उनको किस, आप जैसा आपने कहा इस्तेमाल किया गया, जब इस्तेमाल किया गया वो, आप कुछ कहना चाहेंगे कैसे इस्तेमाल किया गया जब INLO को तोड़ा गया? देखिए, खुलकर अगर कहूँ तो आप जब आप INSO में थे, ड्यूटी लगाई गई INLO को तोड़ने के लिए? नहीं, मेरी इस तरह की कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, और किसी की हो सकती है, पर आजकल जैसे हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, यही सुनने और देखने को मिलता है कि INSO ने उसमें एक अहम रोल अदा किया था पार्टी के तोड़ने में, जिसमें कि उसका सहारा परिवार के अन्य लोगों के द्वारा उसको एक सहारा बनाया गया, जिसके द्वारा अलग झंडा, अलग फ्लैक्स, अलग सारी चीज़ें उसके पैरेलल में खड़ा, पार्टी के पैरेलल में खड़ा किया गया, जिससे ये दिखाया गया कि भाई हम मजबूत हैं, हमारा ये स्टैंड है, हम यहाँ स्टैंड करते हैं, और युवा और पूरा प्रदेश हमारे साथ है। देखिए, अजय सिंह चौटाला एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने झंडा डंडा पार्टी का फंड सब कुछ हमने अभय सिंह चौटाला को सौंप दिया, और जिस वक्त सौंपा उनके पास इतना ज़्यादा था, 19 विधायक हम छोड़ के आए थे, उनके पास 37% के करीब वोट बैंक छोड़ के आए थे, आज वो एक सीट के लिए लड़ रहे हैं और उस सीट को बचाने के लिए भी उनको पसीना बहाना पड़ रहा है, कई कई पीढ़ियों को इकट्ठा गली गली गाँव गाँव घूमना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ गली गली घूमने की बात है, ये तो जनता का और इंडियन नेशनल लोकदल परिवार का उन आपस में प्रेम है, नेता का तो काम ही होता है कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने हलके में जाना, लोगों से घूमना फिरना, ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी पार्टी के लोगों को करना चाहिए, और माननीय अभय सिंह चौटाला जी ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उन्हें आगे भी इससे ज़्यादा, वो तो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और जहाँ रही बात कि MLA की या फिर पार्टी मजबूत स्थिति में छोड़ के जाने की, तो जब परिवार जब अलग होता है तो ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कई बार। कार्यकर्ता बहुत ही नाखुश हो गया था, उसके हौसले और जो कहते हैं ना भी कंधे टूट गए थे, उन्होंने जब इस तरह की परिस्थितियां देखी कि परिवार में ऐसी स्थिति आ गई, अलग होने की नौबत आ गई, तो समझ नहीं पाया वो किस तरफ जाए। तो बहुत से कार्यकर्ता और जो पार्टी के जो मजबूत स्तंभ थे, वो कहीं ना कहीं कोई घर बैठ गया, कोई या कोई इधर उधर एडजस्ट होके बकाई में आ गया, इधर उधर चला गया, उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा,
उसके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फिर से एक नई शुरुआत करते हुए संघर्ष करते हुए आज आप देखिए कहीं भी जाइए हर जगह एक ही बात है, हरियाणा प्रदेश में कोई निडर और साफ छवि का और लोगों का हितैषी कोई अगर नेता है तो माननीय अभय सिंह चौटाला जी हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, आपने दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में भी काम किया और आप काम कर रहे हैं अर्जुन चौटाला के नेतृत्व में भी, किसके नेतृत्व को आप ठीक मानते हैं, छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा मानते हैं? देखिए जैसे मैंने अभी नेतृत्व आपको ठीक लगा कुछ देर पहले ही मैंने अभी आपको बताया था, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि इलेक्शन लड़ा जेजेपी ने, युवाओं को साथ लेकर के युवाओं की बदौलत चुनाव लड़ा उन्होंने, सरकार बीजेपी के खिलाफ लड़ा, युवाओं की भावनाओं का इस्तेमाल किया और फिर जाकर के युवाओं के साथ कुठाराघात करते हुए बीजेपी की गोद में बैठ गए, युवाओं के साथ धोखा किया, रोजगार के नाम पर युवाओं को कुछ नहीं दिया, हर रोज नौकरियों में धांधलियाँ हो रही हैं, लिस्टों में एग्जाम में धांधलियाँ हो रही हैं, जहाँ एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर की बात आती है कि भाई जब चुनाव से पहले कहते थे कि भाई हर जिले में आएगा उनके घर के पास आएगा, अब फिर वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, लोग 200-200, 300-300 मीलें चल करके छात्रों छात्राएं जा रहे हैं, अपने बच्चों किसी के बच्चे हैं, किसी कोई बूढ़ा है उनको परिवार को छोड़ करके उन्हें जाना पड़ रहा है, तो बड़ी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि युवा बहुत ही गमगीन माहौल महसूस कर रहे हैं, भाई उनके साथ गलत किया गया, उनकी भावनाओं को इस्तेमाल किया गया, उनकी ताकत उनकी एनर्जी को इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से देखा जाए तो नेतृत्व बिल्कुल ही अर्जुन चौटाला का ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल दिग्विजय चौटाला ने आप जैसा कह रहे हैं कि इस्तेमाल किया युवाओं की ताकत को और उनको झूठ बोला कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पे, रोजगार से बात याद आई, वो तो कह रहे हैं कि हमने 75% जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन है वो हमने करा के दिया है, दिखाइए ना कहाँ है 75%। अगर ऐसा होता तो ये जो आंकड़ा जो भारत सरकार का जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन है, अभी कानून बना है, अभी इंप्लीमेंट भी होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएंगे, नहीं फिर फायदा क्या हुआ, ये कागजों में ही रह जाएंगी ये चीजें, उन्होंने अपना बस एक उसमें लिखित में अपना दे के युवाओं को वही दोबारा फिर से झूठ का सहारा ले लिया युवाओं को बरगलाने के लिए, उन्हें सिर्फ धोखे में रखने का काम कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक चीज है उस चीज को तो हम कह ही नहीं सकते ना कि वो इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, क्या पता अब इनकी सरकार चेंज हो जाएगी, लोग इतने नाराज हैं इनसे, भविष्य में तो इनका कोई खाता है नहीं, तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन फिर वो धरी की धरी रह जाएगी, फिर युवा क्या करेगा बेचारा। तो चलिए अरविंद गोस्वामी जो ISO के प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर से कहना है कि दिग्विजय चौटाला या जो JJP है वो युवाओं के मुद्दे पर सत्ता में आई और उन्होंने युवाओं के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया है, और अभय सिंह चौटाला ने जब इन पर विश्वास जताया है, इनको ISO का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो इनको साफ कहा है कि जहां भी छात्रों के हित की बात हो अगर पार्टी लाइन से बाहर भी जाना पड़े तो बेशक चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत अरविंद भाई आभार, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका भी और सभी देखने वाले मेरे प्रदेश के जिम्मेवार नागरिकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई चर्चा के साथ, किसी नई हस्ती शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।